नेपाल प्रीमियर लीग में ना पैसों की बारिश हो रही है। 20 करोड़ रुपए कैन बोर्ड को जो है दिया गया यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर्स की तरफ से। 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ नेपाल प्रीमियर लीग में पैसों की जो है ना वो बारिश हो गई है। 20 करोड़ भाई लोग, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यार जो ये एनपीएल होने वाला है पहला सीजन, आपको पहले सीजन से ना वो रंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि नेपाल प्रीमियर लीग में आपको पैसों की बारिश होती हुई दिखेगी। मैं तो यहां तक ये भी कह रहा हूं कि वो तो आपको कैन बोर्ड ने थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन और रूल्स बना के रखे हुए हैं कि यार जो फ्रेंचाइज है वो इससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकती है। अगर वो रूल्स नहीं होती और कहा जाता फ्रेंचाइज को कि आप मन से जो है स्पेंड कर सकते हो प्लेयर्स के ऊपर, मैं कहता हूं आपको कि भाई 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए में जो प्लेयर्स को है वो खरीदा जाता। और इस बार जो ये ऑक्शन सिर्फ 15 लाख का था ना नेपाली, 15 लाख ये भी आपको करोड़ों में जाते हुए दिख सकता था, लेकिन कैन बोर्ड के रूल्स ने जो है वो इस बार इसको थोड़ा सा रोक लिया। लेकिन टाइटल स्पॉन्सर्स की तरफ से कैन बोर्ड को जो है 20 करोड़ रुपए जो है मिला है। अभी टाइटल स्पॉन्सर क्या है तो देखो गाइस, आप सबको पता है कि यहाँ पे एक ब्रॉडकास्टर होता है, एक टाइटल स्पॉन्सर होता है। जैसे आप लोग आईपीएल को जो फॉलो करते हो गए, तो अभी यहाँ पे टाटा आईपीएल जो है वो है। जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ तो डीएलएफ आईपीएल था, इस तरीके से जो है वो चीजें चल रही थी, समझ रहे हो। तो वो स्पॉन्सर जो होते हैं ना वो एक्वायर करते हैं पूरे के पूरे जो ये क्रिकेट होते हैं, मतलब जो ये टूर्नामेंट होता है उनको एक्वायर करते हैं। तो टाइटल स्पॉन्सर जो है वो यहाँ पे आपको, आप सबको पता है ये ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ है आपका स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर का नाम। बाकी जो ट्रॉफी वगैरह जो एनपीएल की आएगी उनमें आपको जो है टाइटल स्पॉन्सर्स का नाम वगैरह देखने को मिलेगा। जैसे आईपीएल में टाटा आईपीएल आप सबको पता होगा, वैसे ही जो है अब यहाँ पे आप यहाँ पे एसबी एनपीएल कह सकते हो, समझ रहे हो। ऐसे करके जो है आप यहाँ पे नाम ले सकते हो। जैसे आईपीएल में डीएलएफ और टाटा आईपीएल जो है वो नाम गया था। ओवरऑल ये जो आपके स्पॉन्सर है टाइटल स्पॉन्सर, इन्होंने जो है कैन बोर्ड को 20 करोड़ रुपए पे किए हैं, मतलब 5 साल के लिए इन्होंने जो एक्वायर कर लिया स्पॉन्सरशिप। 5 साल के लिए आपको इसी नाम से जो है वो एनपीएल देखने को मिलेगा, इसी नाम से टाइटल स्पॉन्सर यही होंगे। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओवरऑल जो स्पॉन्सरशिप मिली है कैन बोर्ड को वो 20 करोड़ रुपए की मिली है, मतलब अब 20 करोड़ रुपए कैन बोर्ड को जो है पे कर दिए गए, उसमें से हर साल जो है 4 करोड़ रुपए का मतलब जो ये है डील है, मतलब 5 साल तक जो है इन्होंने टाइटलशिप ली है, सॉरी स्पॉन्सरशिप ली है। तो ओवरऑल यहाँ पे 5 साल तक जो है आपको इसी नाम से देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये तो चलो आपका हो गया, आने वाले सीजन से ना एनपीएल की आपको जो है वो और वैल्यू बनते हुए दिखेगी। हालांकि ये मैं कहूंगा टाइटल स्पॉन्सर ने जिन्होंने लिया एसबी वालों ने, ये कहीं ना कहीं ये भाई इन्होंने दिमाग से खेला है, क्योंकि जिस तरीके की पॉपुलैरिटी पहले सीजन में मिल गई एनपीएल को, आने वाले सीजन में नेपाल प्रीमियर लीग को जो है वो और पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। तो आने वाले सीजन में जो है ना इनकी वैल्यू और बन जाती है एनपीएल की। लेकिन पहले सीजन में इन्होंने जो है चौका मार दिया, 20 करोड़ रुपए कैन बोर्ड के दिए, कहे कि भैया आप हमें 5 साल के लिए दे दो, और 5 साल में कम से कम जो है आपके टाइटल स्पॉन्सर जो है ये आपके कम से कम, मैं कह रहा हूं ना 150 से 200 रुपए, 200 करोड़ रुपए कमा लेंगे, उससे ज्यादा ही, उससे ज्यादा ही मैं कह रहा हूं आपको। क्योंकि ये जो क्रिकेट का गेम होता है ना गाइस, इसमें पैसे बहुत लगते हैं, पैसे, अंधा पैसा है इसमें। अगर आप, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना बीसीसीआई की, बीसीसीआई अपने स्पॉन्सर से मतलब आप कह सकते हो करोड़ों रुपए कमाती है, 100-200 करोड़ नहीं, हजारों से ऊपर, 1000 करोड़, 2000 करोड़, समझ रहे हो। बीसीसीआई की जो वैल्यू 18000 करोड़ की है, लेकिन वो सिर्फ आप आईसीसी के बेस पे देखते हो। अगर आप नॉर्मल, मैंने एक बार देखा था कि 38000 करोड़ रुपए ऐसा कुछ है बीसीसीआई का। तो ओवरऑल क्रिकेट में पैसे तो है, इससे देखो प्लेयर्स की लाइफ बनेगी, समझ रहे हो। नेपाल के जो लोकल प्लेयर्स है जो अभी नए नए आ रहे क्रिकेट में, उनकी लाइफ बनेगी, ओवरऑल नेपाल की क्रिकेट की जो है वो ग्रोथ हो रही है। तो ये स्पॉन्सरशिप मिलना कहीं ना कहीं नेपाल के कैन बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। अगले साल से आपको हो सकता है ब्रॉडकास्टर भी जो है वो पैसे देते हुए दिखे। हालांकि इस साल जो आपको पता है स्टार स्पोर्ट्स के साथ में जो है चीजें कोलैब हुई है, तो वहां पे कैन बोर्ड ने रेवेन्यू शेयर करने का जो यहाँ पे वो रखा था, डील रखा था स्टार स्पोर्ट्स के साथ। लेकिन अगले साल से आपको फिर ब्रॉडकास्टर की तरफ से जो है कैन बोर्ड को पैसे आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल देखो इससे एक चीज होगा, नेपाल की क्रिकेट ग्रोथ होगी, और मैं तो कहूंगा कैन बोर्ड से कि ये जितने पैसे आ रहे हैं, हालांकि कैन बोर्ड यही चीजें करने वाली होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगी नेपाल में उसको जो है यहाँ पे ग्रोथ में, उन ग्रोथ में जो है लगाया जाएगा। स्टेडियम्स बनवाना, फ्लड लाइट लगवाना, प्लेयर्स के ऊपर खर्च करना, समझ लो ये बहुत सारी चीजें जो है वो होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा एक ही वीडियो में भाई, टाइटल स्पॉन्सर क्या होता है, इनका क्या काम क्या होता है। एक और वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद डालता हूँ, उसमें मैं जो है आपको बता दूंगा कि टाइटल स्पॉन्सर्स का जो है वो काम क्या होता है, 20 करोड़ रुपए जो है वो क्यों दिए गए। बाकी देखो
आप लोगों ने न्यूज सुना है नहीं सुना, लेकिन ये बहुत गजब की न्यूज है कैनबोर्ड के लिए कि यार 20 करोड़ रुपए जो है कैनबोर्ड को मिले हैं एनपीएल के 5 साल की जो स्पॉन्सरशिप ली है एसबी वालों ने उनसे।